आज जहां कोरोना के संकट से देश और दुनिया जूझ रही है और घर की चार दीवारी से ही गुजर बसर करने को मजबूर है, वहीं मानव जीवन के साथ साथ कोरोना के कहर से सामाजिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ है, इसकी भी कई तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ताजा मामला शाहपुर के दुर्गेला पंचायत के गांव डंबा का है। यहाँ रोशनलाल नाम के एक शख्स ने अपने छोटे बेटे रोहित, जो कि पांच भाई बहनों में सबसे छोटा है, उसकी शादी के लिए कई सपने संजोए थे। रोशनलाल अपने इंजीनियर बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से आयोजित करना चाहते थे और 12 अप्रैल को घर से बारात की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थी। शादी के रस्म रिवाज की हर तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस इंतजार था तो सिर्फ सात समुंदर पार सऊदी अरब में बैठे बेटे रोहित के आने का। रोहित ने 25 मार्च तक फ्लाइट तक बुक करवा रखी थी। बावजूद इसके देश और दुनिया में कोविड-19 के संकट के चलते लॉकडाउन ने न केवल रोहित के स्वदेशी वापसी और दूल्हा बनने के सपने पर पानी फेर दिया, बल्कि रोहित के घर वालों की तमाम तैयारियां भी इस मामले में धरी की धरी रह गई हैं। आलम यह है कि आज हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक एक बार शादी का मुहूर्त निकालने के बाद उसकी तारीख पक्की कर दी जाए तो उसे टालना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते अब शादी टालना पड़ रही है। ऐसे में अब यही शादी अगले 2.5 साल तक के लिए टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगले 2.5 साल तक रोहित को छुट्टी नहीं मिलेगी, जो कि इस परिवार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। मेरा नाम नीमतु दीदी, वो सारी तैयारियां कपड़े थे, किराने थे, सारी तैयारियां थी। हाँ जी, तो पूरी फुल तैयारी ही दुबई में। हाँ जी, क्या कहता है बेटा आपका? बेटा ठीक ठाक है, वो ड्यूटी को जा रहे हैं। ठीक है, शादी बेर भी हो सकती है, शादी बेर भी हो सकती है, कहने बेटा ठीक ठाक रहा उधर, 5-6-7 महीने बाद हो सकती है शादी भी, और जब ग्राउंड ठीक हो जाए तो आ सकता ना। 12 अप्रैल को शादी हुई मेरे बेटे की। क्यों नहीं हो पाई? ऐसे नहीं पा कि कोरोना वायरस नजर लग गया और इस वजह से शादी नहीं हुई। वो जो बेटा मेरा उन्होंने भी दुबई में, लेकिन उसको मैं मना कर दिया, लेकिन मैंने बिना देव तैयार वहाँ उन्होंने कुशल रहना, लेकिन जब उन्होंने कोरोना वायरस हट जाएगी तब दूसरी शादी में आपका उन्होंने फिर कर लेगा, लेकिन वहाँ ही रहना 7-8 महीने नहीं आना। लेकिन तैयारी इन्होंने शादी की पूरी तैयारी थी इन्होंने जी, कपड़े और 6 भी बिठाई थी लंगर के लिए, इन्होंने राशन भी पूरा लिया था, लेकिन हर चीज़ की तैयारी थी। आज तो मेरी बरात जानी थी जनाब। वो दुबई में HTC कंपनी में है, दुबई में, तो उनकी शादी थी आज 12 तारीख को, तो अच्छी धूमधाम से मनाने जा रहे थे हम लोग। तो मेरा कहना है कि मैं 1 महीना पहले छुट्टी लेके आ गया था और यहाँ पे पूरा काम कुम के लिए पूरा एकदम साफ सफाई के लिए कर रखा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज चलो शादी करते हैं। घर पे लास्ट शादी थी, मैं कह चलो धूमधाम से मनाते हैं। उसके चलते देखा तो कर्फ्यू लग गया, वो छोटा भाई फिर बाहर फंस गया, उसका आने जाने की कोई संभावना नहीं रही। तो अब जब कोरोना वायरस हटेगा तो उसके बाद देखते हैं, 5-7 महीने के बाद जब ये शांत हो जाएगा तो उसके चलते फिर आएगा दोबारा, तो तब देखते हैं शादी शुदी का।